तो भाइयों के क्या हाल है भाइयों, टी सीरीज में मेरे को सिर्फ एक ही चीज अच्छी लगती है, इनके सब्सक्राइबर्स। तो आई एम नॉट अ ग्रेट फैन ऑफ टी सीरीज, बट आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ प्रभास। मुझे ऐसे लगता है कि अगर प्रभास को अच्छा एग्जीक्यूशन मिले, यानी कि अच्छा डायरेक्शन मिले, तो उनकी बेस्ट मूवी जाएगी। जैसे तुमने एग्जांपल देखा था अभी बाहुबली 2 का, जब आदिपुरुष का टीजर आया तो बहुत लोगों ने इसको टीज किया कि हनुमान जी जो है उन्होंने गलत दिखाया। भाई मैं बिल्कुल एग्री करता हूं। इस वीडियो के दौरान मेरे को ये पता है कि बहुत सारा मुझे हेवी, ये कहानी है जो विजुअल्स है इन्होंने वीएफएक्स डाले हैं, और जो एक्टिंग है वो प्रभास, कृतिका सरन और सनी सिंह की है। ठीक है, ये मुझे लगता है कि इन्होंने सिर्फ जो जो रियल करेक्टर्स है ना उनको एक्टर्स में कन्वर्ट किया है, और जो पूरा जो विजुअल्स है इनका वीएफएक्स में डाला है, यानी कि इन्होंने कुछ नई चीज ट्राई करने की सोची है, यानी कि विच मीन्स वीएफएक्स प्लस रियल एक्टर्स। तो इन्होंने इसको इस तरह से इन्होंने रामायण आदिपुरुष बनाई है। ये कहानी है मेरे हनुमान जी का करेक्टर है ना, हनुमान जी इज द गॉड, यानी कि उससे ऊपर कोई नहीं है, तो उसको इनको बहुत स्ट्रांग दिखाना चाहिए था, जो कि मेरे को लगता है कि इन्होंने टीजर में भी सेम दिखाया था, और टीजर में इनको हेट भी इसी कारण मिला था। इन्होंने जो हनुमान जी है उनको थोड़ा रियलिस्टिक नहीं दिखाया। भाई मेरे को लगता है कि हनुमान जी, राम जी और लक्ष्मण जी को इनको बहुत रियल दिखाना पड़ेगा। और भाई जब बात आती है ना किसी रिलीजियस मूवी की, तो उसमें बहुत सारा हेट आपको मिल सकता है, और ऐसा हमें व्यू दिखना चाहिए, तो वैसा अगर नहीं दिखता तो हेट मिलता है, जैसे कि टीजर में आदिपुरुष को मिला। ये कहानी है मेरे प्रभु श्री रानव से भगवान बन गए। देखा, मैंने तुम्हें बोला ना जो एक्टर्स है इन्होंने इनको रियल दिखाया है, और जो एनिमेशन है यानी कि जो विजुअल्स है इन्होंने इसको वीएफएक्स में दिखाया। भाई वीएफएक्स में ना एक तरह से इनको ओरिजिनल टाइप दिखाना था, जो कि मेरे को लग रहा है कि इतना नहीं दिखा। बन गए जिनका जीवन था मर्यादा का उत्सव और नाम था राघव, जिनके धर्म ने तोड़ दिया अधर्म का अहंकार। गाथा उस रघुनंदन की युग युगांतर हाज इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्टर सिनेमा हैज का अहंकार। गाथा उस रघुनंदन की युग युगांतर से जीवित और जागृत ये कहानी। इसका जो कॉन्फिडेंस है, जो जज्बा है ना, बाहुबली और बाहुबली 2 में आप लोगों ने देखा ही होगा। भिक्षाम दे बहुत बढ़िया, बीजीएम एक नंबर है, एक्टिंग अच्छी है अभी तक, ठीक है, विजुअल्स भी अच्छे हैं, बस थोड़ा हनुमान जी को जो इन्होंने थोड़ा हनुमान जी करेक्टर है ना वो भी थोड़ा, अगर जैसे कि प्रभास को उन्होंने राम की तरह दिया है, तो हनुमान जी हिसाब से अगर हनुमान जी की भी कास्टिंग अच्छी हुई थी ना, तो मेरे हिसाब से अभी तक जितना मैंने देखा है बेस्ट है। अजय एक संकेत करेंगे तो सारी सेना आपके साथ लड़ेगी, ये मर्यादा के विरुद्ध है। तो क्या मर्यादा आपको भाभी माँ के प्राणों से भी अधिक प्रिय है? भाई प्रभास और कृति सेनन बहुत अच्छे हैं, 30-35% आपका हनुमान जी का भी रोल है, तो आपको कास्टिंग अच्छी दिखानी पड़ेगी। और इन टर्म्स ऑफ अगर बिग बजट मूवी है तो भाई आप थोड़ा सा तो रिलीजियस को सपोर्ट कर सकते हो। सीरीज थी हमारी रामायण जो हमने कोविड के टाइम देखी थी, उसमें हनुमान जी को दारा सिंह बनाया गया था, और उनका अभी भी मेरे को देखो जैसे नाम याद है दारा सिंह, वैसे अगर आगे जाके कभी बात होगी आदिपुरुष की तो सिर्फ राम जी का मतलब है, राम जी एज प्रभास, लेकिन हनुमान जी एज वॉट वो तो तुमने इतना रिकमेंड किया। जंगली बुढ़िया के पैरों के पास बैठना तुम्हें शोभा नहीं देता। हम जन्म से नहीं कर्म से छोटे या बड़े होते हैं। सीर है ना, ये बेसिकली शबरी वाला है, जो तुमने गाना सुना होगा ये शबरी के जैसे हम खिलाते नहीं, ये बेसिकली बहुत अच्छा सीन है। तो इम्प्लीमेंट प्रभास ने बहुत अच्छा इम्प्लीमेंट किया। यहाँ पे अगर सपोज करो कोई अच्छा कास्टिंग होती, एक नंबर का तगड़ा, बीजीएम बहुत सेक्सी है। बस देखा, लड़ना उस दिन के लिए लड़ना जब इतिहास में तुम्हारा नाम गलत कर दे थोड़ा सा। इनको जो इन्होंने वानर सेना थी जो हमारी जो हनुमान जी के साथ थी, इन्होंने इसको ना इनको एनिमेशन नहीं बनाना चाहिए था। अगर एनिमेशन नहीं बनाते ना, मैं सही बता रहा हूँ, ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑस्कर विनिंग मूवी होती है अभी तक। पढ़कर सम्मान से सर झुक जाएंगे, लड़ोगे? ठीक है, जो ये मूवी है ना ये सब लोगों ने देखा हुआ है, जो ये सीन्स है सब लोगों को याद है, तो सब लोगों की परसेप्शन ऐसी बन गई है कि उनका ना उनको 10/10 चाहिए इस चीज में, क्योंकि उन्होंने सीरियल्स के जरिए तो देख रखी है रामायण। तो आगे बढ़ो और गाड़ दो अहंकार की छाती में विजय का भगवा ध्वज।
तुम ये बताओ कि सपोज लोग चल रहा है ठीक है, और मूवी थिएटर में क्या सिनेरियो होगा देखना, 3D चश्मे के साथ और सिनेरियो देखना तुम। BGM एक नंबर, एक्टिंग एक नंबर, स्टोरी टेलिंग अभी तक एक नंबर, थोड़ा सा कास्टिंग में थोड़ा डिफरेंस। तो भाइयों हमारी रामायण आदिपुरुष 16 जून को आ रही है। जय श्री राम। तुम सीज देखो, तुम सब कुछ छोड़ दो, तुम सोचो कि कुछ है नहीं, तुम्हें बस जाके आदिपुरुष देखनी और तुम सीन्स एंजॉय करो भाई, मतलब कितना मजा आने वाला है भाई। मेरे को अभी तक ट्रेलर बहुत अच्छा लगा, टीजर मेरे को इतना बढ़िया लगा नहीं था भाई। मुझे लगा कि मूवी फ्लॉप होगी ठीक है, जिस हिसाब से बजट इन्होंने रिकमेंड किया था, इन्होंने बोला था कि इनका 500-600 करोड़ रुपए लगा है, लेकिन अब ट्रेलर में मुझे लग रहा है कि 500-600 करोड़ रुपए लगा होगा, जिस हिसाब से इन्होंने VFX 3D और एनिमेशन का यूज किया गया, एक्टिंग में भी इन्होंने काफी पैसा लगाया प्रभास पे, कृति के सनन में, और इन्होंने इयर्स भी बहुत ज्यादा दिए, 1-2 साल ज्यादा दिए। मेरे हिसाब से अभी तक मैं मूवी को रेटिंग दूंगा भाई 4। पता कहाँ घटाऊंगा, 1 तो मैं यहाँ घटाऊंगा कि जो कास्टिंग हुई है हनुमान जी की वो, और जो पीछे की जो वानर सेना है उसको एनिमेशन में इन्होंने दिखाया, अगर उसको रियल में दिखाते ना तो भाई मजा आ जाता। ठीक है भाई, आज के लिए यही था, मैं मिलता रहूं तो मैं नई वीडियो पे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो भाई, भूलना मत भाई को।